जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में ही शानदार गेंदबाजी करवाकर कुलदीप यादव ने रचा बड़ा इतिहास, तोड़ा वनडे इतिहास का ऐसा सबसे बड़ा रिकॉर्ड कि जानने के बाद आप भी करोगे सलाम। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार आज कुलदीप यादव ने बीच मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ वो कौन सा बड़ा इतिहास रचा है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान हो चुका है। तो आपको उनका ये पूरा रिकॉर्ड आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी करने उतरे शिखर धवन ने बीच मैदान पर ऐसा फैसला लेकर रचा इतिहास, तोड़ा क्रिकेट इतिहास का बड़ा रिकॉर्ड कि जानने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों, शिखर धवन का ये रिकॉर्ड भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि कृणाल पांड्या ने लगाया श्रीलंकाई बल्लेबाज को गले, वजह आपको भी हंसने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे, तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि श्रीलंका क्रिकेट टीम ने यहां के आर प्रेमादासा स्टेडियम में भारत के साथ रविवार को खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर इस सीरीज के लिए श्रीलंका के कप्तान बने दासुन सनाका ने टॉस जीतने के बाद कहा कि वे इस स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का बेहतर इतिहास रहा, इसलिए उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। तो वहीं इस मैच में श्रीलंका के लिए भानुका राजपक्षा ने डेब्यू किया, जबकि भारत के लिए ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का डेब्यू रहा। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज भारतीय टीम के दो सबसे फेमस स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल एक साथ खेलते हुए नजर आए। तो वहीं दोस्तों, आज जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम मैदान पर उतरी तो श्रीलंका की तरफ से अविष्का फर्नांडो 32 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं विनोद भानुका ने 27 रन की पारी खेली। हालांकि दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाजों के आगे कोई भी बल्लेबाज श्रीलंका का इतना ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पा रहा था। जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो कि भानुका राजपक्षा ने मात्र 24 रन बनाए, तो वहीं धनंजय डी सिल्वा 14 रन बनाकर आउट हुए। चरित असलंका और दानुष नाका ने टीम की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश की और टीम को मैच में बनाए रखा, लेकिन दोस्तों यहां पर उनका ये योगदान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। दरअसल ये दोनों ही बल्लेबाज एक तो दीपक चाहर और एक युजवेंद्र चहल की गेंद पर आउट हो गए। हालांकि दोस्तों, श्रीलंका की टीम ने जिस तरह से शुरुआत की थी वो उस तरह से मैच को खत्म नहीं कर पाई। कुलदीप यादव ने भारतीय टीम की तरफ से आज शानदार गेंदबाजी करी, पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करवाते हुए 2 विकेट हासिल किए और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा इतिहास भी रच दिया। दरअसल दोस्तों, वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में कुलदीप यादव ने उमेश यादव, सौरव गांगुली और युजवेंद्र चहल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जहां पर कुलदीप यादव अब उमेश यादव और सौरव गांगुली से टॉप के नंबर पर आ गए। और इसी के साथ उमेश यादव ने वनडे इतिहास में 106 विकेट लेने का कारनामा किया था, वो भी 75 मैचों में। और वहीं सौरव गांगुली ने यह मुकाम 308 मैचों में कर दिखाया था। हालांकि अब कुलदीप यादव ने मात्र 64 मैचों में ही ये कारनामा कर दिखाया, जिसके चलते उन्होंने बड़ा इतिहास रचा। बाकी दोस्तों, अगर वो एक विकेट और ले लेते तो वो जसप्रीत बुमराह का भी ये रिकॉर्ड वनडे इतिहास में तोड़ सकते थे। बाकी दोस्तों, अब आपकी क्या राय है कुलदीप यादव के बारे में और आप कुलदीप यादव के इस रिकॉर्ड को देखकर क्या कहना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, कृणाल पांड्या ने लगाया श्रीलंकाई बल्लेबाज को गले, लोग वजह आपको भी हैरान कर देगी। जी हां दोस्तों, कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से हो रहा है, जहां पर इस मैच के दौरान मैदान पर एक मजेदार वाक्य देखने को मिला, जहां पर मैदान पर अक्सर गुस्से में रहने वाले टीम इंडिया के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या को श्रीलंकाई बल्लेबाज को गले लगाते हुए देखा गया था, जहां पर मैच के 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर कृणाल पांड्या ने चरित असलंका को गले लगा लिया। ओवर की तीसरी गेंद पर पांड्या की गेंद पर बल्लेबाज ने सीधा शॉट खेला जो कि सीधे गेंदबाज की दिशा में गया और कृणाल पांड्या का गेंद को सुरक्षित करने का अपने प्रयास में नॉन स्ट्राइकर असलंका से टकराव हो गया, जिसके बाद उन्होंने उनको गले लगाया। बाकी आप यहां पर तस्वीरों में भी देख सकते हो। और ऐसे में आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर मेजबान श्रीलंका ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर
शुरुआत में जब श्रीलंका की टीम मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो श्रीलंका इतनी भयंकर बल्लेबाजी कर रही थी कि मानो भारतीय टीम के हाथों से मैच फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने टीम की मैच में वापसी करवाई, जिसके चलते ये मैच पूरा का पूरा ही पलट गया। दरअसल दोस्तों आज के इस मुकाबले में श्रीलंका की ओर से अविष्का फर्नांडो और विनोद भानुका मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर अविष्का फर्नांडो और विनोद भानुका काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक छक्का लगाया था। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अविष्का फर्नांडो के बाद मैदान पर उतरे भानुका राजपक्षा, जहां पर भानुका राजपक्षा और विनोद ने मिलकर आज अच्छी बल्लेबाजी करी, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर एक एक रन बटोरते हुए नजर आए लेकिन यहां पर भानुका राजपक्षा ने आज के इस मुकाबले में तूफानी रंग अपना पहले ही ओवर से दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों जब भानुका मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो भानुका ने शुरुआत में आते से ही युजवेंद्र चहल की गेंद पर एक छक्का लगा दिया था और इसी के साथ उन्होंने अपने इरादे पूरी तरीके से साफ कर दिए थे कि वो आज किस तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों भानुका राजपक्षा ने आज के इस मुकाबले में विनोद के साथ मिलकर काफी अच्छी बल्लेबाजी की। भानुका के आउट होने के बाद अभी भी मैदान पर टिके हुए थे विनोद भानुका। हालांकि दोस्तों विनोद भानुका को भी 17वें ओवर की ही चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने उनका विकेट झटका दिया और इसी के साथ श्रीलंका की टीम को ये थोड़ा सबसे बड़ा झटका दिया, जहां पर आज के इस मुकाबले में विनोद भानुका 44 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 27 रन बनाकर ही आउट हुए और यहां पर श्रीलंका की टीम को विनोद के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगा, जहां पर 27 रन की पारी के दौरान विनोद भानुका ने 3 चौके ही लगाए। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि घायल होकर बीच पिच पर गिरा रहा बल्लेबाज, विपक्षी टीम ने नहीं किया रन आउट। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड में चल रहे T20 ब्लास्ट में लंकाशायर और यॉर्कशायर के बीच में मुकाबले में जो रूट की कप्तानी वाली यॉर्कशायर की ओर से एक अलग ही खेल भावना देखने के लिए मिली, जहां पर इस मैच में यॉर्कशायर द्वारा की दिए गए 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लंकाशायर को आखिरी 18 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी और तब क्रीज पर ल्यूक वेल्स और स्टीवन क्रॉफ्ट मौजूद थे। क्रॉफ्ट के गिरने का फायदा उठाकर यॉर्कशायर की टीम उन्हें रनआउट कर देगी, लेकिन यॉर्कशायर की टीम के कप्तान जो रूट ने उन्हें रनआउट देने से मना कर दिया और साथ ही उस गेंद को डेड बॉल करार दिया गया। तो वहीं अब यॉर्कशायर की पूरी टीम को इस बेहतरीन खेल भावना दिखाने के लिए काफी वाहवाही भी मिल रही है। बाकी आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में RS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।